सभी लोग हाथ जोड़िए। नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धाज टीचिंग चैनल और आज हम यहाँ विशेषतः ये रामनगर स्थित धम्म सागर बुद्ध विहार में ये धम्म देशना में आए हैं। तो यहाँ पूजने भिक्खु संगपाल भंते जी प्रमुख श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं उपस्थित है। चलो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़िए और बोलिए साधु 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 अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो श्रावकसंघो संघं नमामि। शील याचना। ओकाश वंदामि भन्ते द्वारतयेन कतं सभा अपराधं क्षमता मे भन्ते द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि ओकाश वंदामि भन्ते द्वारतयेन कतं सभा अपराधं क्षमता मे भन्ते ओकाश अहं भन्ते शरणेन सह पञ्चशीलं तमं याचामि अनुग्रहं कत्वा शीलं देता मे भन्ते द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि यमहं वदामि तं वदेत नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि भूतं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं पानातिपाता वेदमने सिक्खापदं समादियामि
दाना वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि। कामेषुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि। सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि। शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वा अपमादेन संपादेत। साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। तम देशना शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजस्य सुनन्तु सर्गमोक्षदं धम्म श्रवण कालो अयं वदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं वदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं वदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आज के कार्यक्रम में उपस्थित भिक्षु संघ, श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जीवन ये जीवन को सुखमय बनाने के लिए ढेर सारा उपदेश दिया। तथागत बुद्ध ने बुद्ध होने के बाद गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते हुए जितने उपदेश दिए तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो उनके 500 भिक्षुओं ने बुद्धवाणी संग्रह किया तो उसमें भी 84,000 धम्म स्कंद धम्म देशना संग्रह किया था। इतना विशाल तथागत बुद्ध के उपदेश है और सारे उपदेशों में तथागत बुद्ध धम्म की बातें ही बताते हैं, जीवन जीने के मार्ग रास्ता के विषय में ही बताते हैं कि कैसा करेंगे तो जीवन में सुख शांति आएगा और कैसा नहीं करेंगे तो जीवन में दुख अशांति आएगा।
कैसे जाएंगे? तो जीवन में आने वाले अनेक तरह के दुखों का ये परत जो लेवल खत्म होते 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 जाएगा, इसी तरह का उपदेश देते हैं। मतलब तथागत बुद्ध या तो अच्छे धम्म बताते हैं या तो बुरे धम्म बताते हैं। अच्छे धम्म जो हमें अभ्यास करना है, पालन करना है, बुरे धम्म जो हमें दूर रहना है, अलग रहना है। हम धम्म पालन गाथा में भी बोलते हैं ना, तम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे। अच्छे धम्म का पालन करो, बुरे धम्म का पालन मत करो। जितने भी उपदेश आएंगे, जितने भी धम्म आएंगे, हमें यही सिखाएगा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कुशल क्या है, अकुशल क्या है, पाप क्या है, धम्म क्या है। बस उतना बताता है, उतना सिखाता है। अब अच्छा करना है या नहीं करना है अपने हाथों में, बुरा करना है या नहीं करना है अपने हाथों में। क्योंकि कोई आपको गर्दन पकड़ के अच्छा नहीं करवा सकता, कोई आपको गर्दन पकड़ के बुरा भी नहीं करा सकता। अत्ता ही अत्तनो नाथो कोई नाथो परोसिया। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। विहार आना पुण्य है, धम्म है, तो कोई आपको गर्दन पकड़ के विहार तक ला सकता है कि चलो बाबा अच्छा है, तुम्हें तो आना ही है करके एकदम जबरदस्ती ला सकता है। मगर यहां बैठ के पुण्य करना है या पाप करना है खुद के हाथ में ही है ना। उसने जबरदस्ती लाया, मुझे ऐसा किया वैसा किया करके उसके प्रति द्वेष, उसके प्रति क्रोध जगाते रहेंगे तो विहार में बैठ के भी धम्म हुआ क्या, पुण्य हुआ क्या? सबको मन ही मन गाली देते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, चिड़चिड़ा होके बैठेंगे तो धम्म हुआ क्या, पुण्य हुआ क्या? नहीं। अच्छे जगह पे बैठ के भी पुण्य करना है, पाप करना है अपने हाथों में। कभी कभी बुरे माहौल में बैठ के भी पुण्य करना है, पाप करना है अपने ही हाथों में। मगर तथागत बुद्ध स्पष्ट कहते हैं, एकदम समझा के कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में अच्छा चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं, उसको पुण्य करना ही है, उसको धम्म करना ही है। जो व्यक्ति बुरा नहीं चाहते, पाप नहीं चाहते, अकुशल नहीं चाहते, मतलब दुख अशांति उसको चाहिए ही नहीं, तो गलत चीजों से दूर रहना है। वो हमें ही रहना है, कोई हमारे लिए सामने बैठ के तुम बुरा कर रहे दूर रहो, अरे तुम पुण्य नहीं कर रहे, ये पुण्य है करो करो, ऐसा हमेशा साथ में बैठ के कोई बोलते रहेगा क्या? कोई बोलने वाला रहेगा क्या? आपके कितने भी नजदीक के बनते रहा तो भी तो वो समय समय पे बता ही सकते हैं ना, बाकी समय में अच्छा करना है या बुरा करना है अपने ही हाथों में है। अच्छा करना है तो हमें ही करना है, बुरा करना है तो भी हमसे ही हो जाता है, और जो अच्छा करता है उसको अच्छा परिणाम अभी भी आएगा, बीच में भी आएगा, अंत में भी आएगा, और बुरा किया तो उसका बुरा नतीजा अभी भी भुगतना पड़ेगा, बीच में भी भुगतना पड़ेगा, अंत में भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए तथागत बुद्ध लोगों को पाप मत करो, पाप मत करो, पाप मत करो ये कहने से भी ज्यादा, पाप करेंगे तो जीवन में किस तरह का दुख आएगा, पाप करेंगे तो जीवन में किस तरह का तकलीफ आएगा, विघ्न बाधा आएगा, उसके विषय में बताते हैं। कोई हिंसा करता है तो हमें भी हिंसा करने वाला कोई ना कोई आएगा। हम किसी को मारपीट करेंगे तो हमें भी मारपीट करने वाला वहां कोई आएगा। किसी को जान से मारेंगे, हमें भी जान से मारने वाला कोई ना कोई आएगा। हाँ, हमें जेल में लेके जाएगा, कारागार में रखेगा, क्या क्या दुख कष्ट भुगतना पड़ेगा। तो ये सारे चीज देख के हिंसा से दूर रहना है। और जो व्यक्ति हिंसा नहीं करता, लोगों के प्रति, प्राणियों के प्रति मैत्री करुणा रखता,
तो उन लोगों को सारे जीव जंतु पशु पंछी प्रिय करते हैं, मतलब उसको पसंद करते हैं। इंसान तो पसंद करते ही है, जो अच्छे स्वभाव का है हर किसी को पसंद आता है, जो हमेशा गुस्से में रहता है चिड़चिड़ा होता है किसी को पसंद नहीं आता। हाँ, इसलिए तथागत बुद्ध हमेशा अच्छा करेंगे तो ऐसा परिणाम आएगा, बुरा करेंगे तो ऐसा परिणाम आएगा। अच्छे से बताते हैं, लोगों को समझ में आया तो बुरा वो करेगा ही नहीं, सबके सामने भी नहीं करेगा, अकेले भी नहीं करेगा, कितना भी मौका मिला वो बुरा नहीं करेगा, क्योंकि उसने अंदर से समझ लिया। और जो अच्छा करना है वो सबके सामने भी करेगा, अकेले में भी करेगा, केवल लोगों को दिखाने के लिए दिखावे के लिए नहीं करेगा, अंदर से कि अच्छा करेंगे तो मेरा कल्याण होगा, मेरा कल्याण होना ही है। हाँ, अंदर से महसूस करते हुए वो अच्छा करेगा, करते जाएगा। बहुत सारे लोगों को, कम से कम आज के समय में बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि धर्म करने से पुण्य करने से कहाँ अच्छा होगा, जो जो अच्छा करते सबसे ज्यादा दुखी वही है, सबसे ज्यादा परेशानी वही है, वो धन नहीं कमा पाते, वो समाज में भी दुखी होके बैठते हैं, और जो गलत करते हैं पाप करते हैं हर चीज करते वही एकदम अच्छे से रह रहे, वही पैसा कमा रहे, उसका ही गाड़ी हो रहा है, बंगलो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो अंदर से उन लोगों को ये लगता है कि आज के समय में अच्छा मिला तो करेंगे, मगर अच्छा करके अच्छा मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं, बुरा करके बुरा भुगतना पड़ेगा उसका भी गारंटी नहीं, ऐसा सोचने वाले भी बहुत है। मगर ये तथागत बुद्ध के वाणी है, सबे सत्ता कम्म सका, जो जैसा कम करता है, काम करता है, चाहे शरीर से करे, चाहे वाणी से करे, चाहे मन से करे, जो जैसा काम करता है कम करता है उसको वैसा ही परिणाम मिलता है, वैसा ही फल मिलता है। हम किसी को गाली देंगे और वो बदले में जी हजूर करके अच्छे से बात करेंगे, ऐसा होता है क्या? हम गाली देंगे तो सामने वाला भी तो गाली देगा। हाँ, अगर सामने सामने गाली नहीं दे सकता तो अंदर अंदर तो गाली देगा, और हम अच्छे से व्यवहार करेंगे तो सामने वाले भी गद गद होके वो भी तो अच्छा व्यवहार करेगा। जैसा करेंगे परिणाम वैसा ही आना है, वैसा ही आएगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं अच्छा करो, महसूस करते हुए करो, अच्छा करने से हमें हित होगा, कल्याण होगा, केवल क्षणिक नहीं, केवल थोड़ी समय के लिए नहीं, अभी भी, बीच में भी, अंत में भी, आदि मध्य अंत पर्यंत कल्याण होगा, सुख होगा। और जो व्यक्ति गलत करता है, पाप करता है, उसको अभी भी दुख आएगा, बीच में भी दुख आएगा, अंत में भी दुख आएगा ही। पाप करने वाले को ऐसा लगता है कि ये पाप करने से मेरा फायदा हो रहा है, मेरा स्वार्थ पूरा हो रहा है, मुझे क्या होगा करके बहुत पाप करते जाते हैं। मगर जब पाप का फल भुगतना पड़ा तो आंखों से आंसू गिरा के एकदम छटपट छटपट होके तरप तरप के दुखी होना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होना तो हमें अच्छा करना है, बुराइयों से दूर रहना है। वैसे हम समाज में भी बहुत सारे लोगों को देखते हैं, जो व्यक्ति जीवन भर अच्छा करते हैं वो मरने के समय में बहुत अच्छा मृत्यु प्राप्त होता है, अच्छे से मर के जाते। और ऐसा भी देखते हैं जो व्यक्ति जीवन भर गलत काम करते हैं, लोगों को शोषण करते हैं, दुख देते हैं, ऐसे लोग मरते समय में आराम से नहीं मरते, तरप तरप के कितने दिन तक एकदम दुख कष्ट सह के वो मर जाते हैं। यहां भी देखते हैं, और कोई गलत करता है तो गलत करने वालों का तुरंत उसको दुष्परिणाम मिलता हुआ हम समाज में भी देखते हैं, और कोई अच्छा करता है तो उसको पुरस्कार देते हुए भी हम देखते हैं।
आंखों देखा परिणाम देखने को मिलता है। तथागत बुद्धा, इतना ही नहीं, अगर कोई अच्छा करता है तो इधर भी उधर भी, यहां भी वहां भी सुख मिलता है, ये जीवन में भी सुख मिलेगा और जीवन के बाद भी सुख मिलेगा, ऐसा कहते हैं। और कोई गलत करता है तो ये जीवन में भी दुख मिलेगा और ये जीवन के बाद भी दुख मिलेगा। हम ये बुद्धवाणी संग्रह त्रिपिटक के श्रुत पिटक अंतर्गत ये खुदक निकाय ग्रंथ के जो छोटे छोटे ग्रंथ है ना, वो ग्रंथ में जैसे विमान वत्थु पेत वत्थु ऐसा ग्रंथ है। विमान वत्थु बोले तो ऐसे कहानियां जिसने ये जीवन में पुण्य किया धम्म किया और उसके बाद वो मरने के बाद अच्छे से अच्छे सुगति में गए, अच्छे से अच्छे देवलोक में गए, ऐसी बातें वहां पे उल्लेख है। और पेट वत्थु ऐसी कहानियां जिसने जीवन में गलत काम किया पाप किया और मरने के बाद ऐसे ऐसे दुख कष्ट झेल रहे, ऐसे ऐसे दुख पीड़ा का सामना कर रहे, भयंकर दुख, ये पेट वत्थु में आता है। मतलब अच्छा करने का नतीजा और बुरा करने का नतीजा ये जीवन में भी और जीवन के बाद में भी मिलता है, वहां उल्लेख है। तथागत बुद्ध के समय में बुद्ध के अग्र श्रावक दो है, श्रावक तो बहुत सारा लाखों भिक्षु है, उसमें भी महाश्रावक भिक्षु है, उसमें भी अग्र श्रावक बोले तो सभी श्रावकों में अग्र दो भिक्षु है। अग्र श्रावक बोले तो सारिपुत्र भंते महामौद्गल्यान भंते, ये दोनों अग्र श्रावक। और सारिपुत्र भंते तथागत बुद्ध के राइट हैंड समान और मौद्गल्यान भंते तथागत बुद्ध के लेफ्ट हैंड समान। और ये सारिपुत्र भंते प्रज्ञा में अग्रस्थान प्राप्त, मौद्गल्यान भंते रिद्धि शक्ति में अग्रस्थान प्राप्त, ये दो अग्र श्रावक। उनमें से रिद्धि शक्ति इसमें अग्रस्थान प्राप्त भिक्षु कौन? महामौद्गल्यान भंते। अभी रिद्धि शक्ति बोले तो एकदम चमत्कारिक शक्ति दिखाने में अग्र, आकाश में उड़ना, एकदम छोटा बनना, एकदम बड़ा बनना, कितने भी दूर एक ही झटके में पहुंचना, कहीं भी पहुंचना, है ना, ऐसे बहुत चमत्कारिक शक्ति दिखाने में अग्र, ये मौद्गल्यान भिक्षु। अभी ये मौद्गल्यान भिक्षु वो दुर्गति में जाते थे, दुर्गति में जो दुख कष्ट भुगत के बैठते ना, ऐसे प्राणियों के पास जाके पूछते थे कि तुमने ऐसा क्या पाप किया जिसकी वजह से इतना दुख कष्ट भुगतना पड़ रहा है। तो वो कहते हैं मैंने जीवन रहते समय मैंने हिंसा किया, कोई कहते थे मैंने चोरी किया, कोई कहते थे मैंने व्यभिचार किया, कोई कहते थे मैंने झूठ असत्य बोला, कोई कहते थे मैंने ये अमल नशा पता सेवन किया, कोई कहते थे मैंने ऐसा कुशल किया वैसा पाप किया, इसलिए ऐसा भुगतना पड़ रहा है। तो मौद्गल्यान भंते वो बातें यहां लोगों के पास आके उपासक उपासिकाओं को समझाते हैं, देखो ऐसे ऐसे पाप करने से ऐसे ऐसे दुर्गति भुगतना पड़ता है, इसलिए पाप मत करो, गलत मत करो। तो लोग भी समझते हैं अरे ऐसा दुख नहीं भुगतना तो मुझे पाप भी नहीं करना करके बहुत संभल के रहते और सुगति में जाते थे, देवलोक में जाते थे और वहां जाके लोगों से पूछते थे कि इतना प्रभावशाली देव हो के जन्म हुआ तो क्या पुण्य किया था। तो वो कहते थे मैंने दान दिया था, मैंने शील पालन किया था, मैंने ध्यान भावना किया था, मैंने इतना ही पुण्य किया था, उसके प्रभाव से मुझे इतना प्रभावशाली वैभव मिला, ऐसा कहते थे। तो वो बातें फिर लोगों के पास आके बताते थे कि कोई पुण्य करता है कोई धम्म करता है तो ऐसे ऐसे मिलता है। फिर लोग एकदम अरे हमें भी तो ऐसा प्राप्त करना है, हमें भी तो वो होना है, चलो हम भी पुण्य करेंगे करके खूब पुण्य करते थे। ये मौद्गल्यान भंते इतना धम्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, इतना लोगों को धम्म की बातें मतलब धम्म में आगे बढ़ने का और अधम्म से दूर रहने की बातें सिखाते थे। जब
हाँ, ये बुद्ध को ना चाहने वाले लोगों ने बुद्ध को बदनाम करने की कोशिश किया, मारने की कोशिश किया, कुछ नहीं हुआ। तो मौद्गल्य भिक्षु को 500 डाकुओं को मारने की पैसा दे के ये मरवाया था, ये महामौद्गल्य मानते को, इसकी वजह से भी। मतलब जो पुण्य करता है उसको अच्छा परिणाम मिलता है, जो पाप करता है उसका गलत परिणाम भी मिलता है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्मपद में दो गाथा उपदेश देते हैं कि कोई पुण्य करता है तो पुण्य उसका स्वागत करता है, वेलकम करता है। तो इस विषय में तथागत बुद्ध गाथा द्वारा इस तरह से उपदेश देते हैं। चिरापवापि वासी पुरी संग चिरापवासिं पुरी संग दूरतोषोति मागतं ज्ञातिमित्ता सुहजाच अभिनन्दन्ति आगतं। चिरप्पवासिं पुरी संग, जो चीर काल के बाद या बहुत समय के बाद दूर से आते हैं अपने लोग, या कोई पहचान के लोग या परिवार के लोग, दूर विदेश में या कहीं दूर गांव में जाके लंबे समय के बाद जब अपने घर में आते हैं ना, घर के सारे लोग खुश होके उसको वेलकम करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, उसका भाई बहन परिवार सारे ज्ञाति बंधु उसको अच्छे से स्वागत करता है, अच्छे से खुशी होता है। उसी तरह तथागत बुद्ध कहते हैं, तथेव कथा पुण्यम्पि अस्मालोकापरंगतं पुण्यानि पतिगन्नन्ति प्रियं ज्ञातिवागतं। तथेव कथा पुण्यम्पि, इसी तरह अपना पुण्य भी, जो खुद ने किया हुआ पुण्य भी, हम यहां से जब परलोक जाएंगे या ये जीवन छोड़ के हम जाएंगे, ये पुण्य ही हमारा स्वागत करके बैठेगा, ये पुण्य ही हमारा वेलकम करके बैठेगा, और वहां भव्य दिव्य सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। ये तथागत बुद्ध कहते हैं। ध्यान दीजिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत समय के बाद अपने घर लौटते हैं तो उसके ज्ञाति बंधु परिवार खूब अच्छे से प्रसन्न चित्त से उसका स्वागत करते हैं। उसी तरह अगर हम पुण्य करते हैं, अगर हम धम्म करते हैं, तो हम ये जीवन छोड़ के जब जाएंगे तो परलोक में यही पुण्य यही धम्म हमारा अच्छे से स्वागत करेगा, अच्छा सुख शांति मिलेगा। अभी एक बात तो स्पष्ट है कि हमेशा हम जीने वाले नहीं है, एक दिन तो मरना ही है, आज है कल नहीं, कब कहाँ कैसे किस अवस्था में हमारा मृत्यु होगा हमें पता ही नहीं, पर ये पता है हमें मरना है, कब मरेंगे ये किसी को पता नहीं। जब हम मरेंगे, जब हम ये शरीर को छोड़ के जाएंगे, तब हमारा कौन क्या उपकार कर पाएंगे, अपना परिवार हमारा उपकार कर पाएंगे क्या, कुछ भी नहीं। खुद का कमाया हुआ धन संपत्ति या खुद का संग्रह किया हुआ धन संपत्ति हमारा उपकार करेगा क्या, कुछ भी नहीं। ये शरीर तो यहीं छोड़ के जाएंगे, कितने कितने लकड़ियों में जला के राख बना देंगे, तो कौन क्या उपकार कर पाएंगे। तो ऐसे समय में अगर कोई उपकार कर सकता है तो हमारा पुण्य ही है, हमारा धम्म ही है, हमने जो पुण्य किया जो धम्म किया वही हमारा उपकार करेगा, वही साईं की तरह साथ में रह के एक अच्छा खासा भरोसामंद होके हमें सुख देगा, शांति देगा। जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक हम दुख मुक्त नहीं होंगे, हमने किया हुआ ये कर्म ही हमारे साथ में देगा। जिसने अच्छा किया उसको अच्छे से अच्छे सुख शांति देगा, जिसने बुरा किया उसको अच्छे से अच्छे दुख अशांति भी देगा। तो हमें अच्छा करना चाहिए,
अच्छा करेंगे, पुण्य करेंगे तो हमारा स्वागत करेंगे। तथागत बुद्ध इसके विषय में एक छोटा सा कहानी बताते हैं। ये वाराणसी में एक श्रेष्ठ के पुत्र रहता था, श्रेष्ठ बोले तो महाजन, पैसे वाले, और उसके पुत्र, और उसके पुत्र बहुत ही श्रद्धावान, श्रद्धावान बोले तो बुद्ध के शरण में जाने वाले, तम के शरण में जाने वाले, संघ के शरण में जाने वाले, और अच्छे से अपनी श्रद्धा चित्त, त्याग चित्त से दान देने वाला, शील पालन करने वाला, ध्यान करने वाला, ऐसा श्रद्धावान। हाँ, तो वो श्रद्धावान वो उपासक था श्रेष्ठ के पुत्र, और श्रद्धावान होने की वजह से ये वाराणसी में सारनाथ के नजदीक ऋषिपतन मृगदावन है, वहाँ तथागत बुद्ध ने पहला धम्मचक्र प्रवर्तन किया था, पहला उपदेश दिया था, तो वही ऋषिपतन मृगदावन में वो श्रेष्ठ पुत्र ने एक विहार बनाया, विहार ऐसे विहार बनाया, और वो विहार निर्माण करके बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान दिया। जैसे ही वो विहार दान दिया, विहार दान देना बोले तो एक महाकुशल है, बुद्ध शासन में, बुद्ध के धम्म में विहार देना महाकुशल है, विहार के लिए जमीन दान देना महाकुशल है, विहार के लिए बुद्ध मूर्ति दान देना महाकुशल है, अस्त परिष्कार दान देना महाकुशल है, कठिन जीवर दान देना महाकुशल है, धम्म दान देना महाकुशल है, संघ दान देना महाकुशल है, ये सार्वजनिक ये जो टॉयलेट बना के दान देना वो महापुण्य महाकुशल है। इस तरह के महाकुशल में एक महाकुशल विहार दान देना भी है, तो उन्होंने विहार दान दिया। जैसे ही उन्होंने विहार दान दिया, वही समय में त्रेटिंग्स देवलोक में, तावतिंग्स देवलोक में कम से कम 12 योजन इतना लंबा और 100 योजन ऊंचा इतना बड़ा भव्य दिव्य एक विमान तैयार हो गया, एक महल तैयार हो गया उसके पुण्य के अनुभव से उसके लिए, और वहाँ सभी सुविधा परिपूर्ण, उसको सेवा करने के लिए अप्सराएं भी सारे के सारे परिपूर्ण। एक समय ये महामौद्गल्यायन भन्ते रिद्धि शक्ति में एतदक प्राप्त, तो अपने रिद्धि शक्ति से वो सुगति में घूमने के लिए आए थे, तो वही तावतिंग से देवलोक के वही विमान में पहुंच गए, वही महल में पहुंच गए, वहां इतना भव्य दिव्य इतना बड़ा महल देख के देखते देखते गया, और वहां जो परिचारिका है, अप्सरा है, वो लोग मिलने के बाद पूछते ये किसका है, तो कहते हैं ये वाराणसी में जो श्रेष्ठ पुत्र है, जो उपासक है, उसका विमान है ये, अभी हम उसका इंतजार कर रहे हैं, वो कब आएंगे पता नहीं, हम उसको सेवा करने के लिए बैठे। तो मौद्गल्यायन मानते अरे जो मरा भी नहीं है, जो पृथ्वी में जिंदा है, और उसके पुण्य के अनुभव से ट्राइटिंग से मतलब तावतिंग से देवलोक में इतना बड़ा ये महल, इतना बड़ा विमान उत्पन्न भी हो गया, तो वो महामौद्गल्यायन मानते वहां से आते हैं और तथागत बुद्ध के पास जाके पूछते है, भगवान मैंने सुगति तो ऐसा बहुत देखा जहां अपने पुण्य के अनुभव से वो लोग सुख सुविधा ऐसो आराम के साथ रह रहे, मगर आज मैंने ऐसे विमान भी देखा जो कि वो मरा भी नहीं है, अभी जिंदा है, इंसान होके वो पुण्य कर रहा है, और उसके पुण्य के अनुभव से तावतिंग से देवलोक में उसका विमान भी उत्पन्न हो गया, क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा भी संभव हो सकता है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं हे महामौद्गल्यायन तुमने देखा ना, तुमने देख के आया ना, अपने आंखों से देख के आया ना, तो कहते हाँ भगवान देख के आया। तो तथागत बुद्ध कहते हैं आनंद ऐसा ही है, जो व्यक्ति पुण्य करता है, जो व्यक्ति धम्म करता है, वो व्यक्ति को जिस तरह दूर गांव से आने वाले अपने लोगों को उसके परिवार ज्ञाति बंधु स्वागत करता है, उसी तरह ये जीवन जाने के बाद परलोक में हम जाएंगे, वहां अपना किया हुआ पुण्य ही हमारा स्वागत करता है, अपना किया हुआ पुण्य ही हमारा
उपकार करता है, ये कहते हुए तथागत बुद्ध ये गाथा कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि पुण्य करेंगे तो पुण्य का परिणाम आएगा ही, ये जीवन में भी आएगा, ये जीवन के बाद भी अच्छा खासा भरोसा बन जाएगा। अभी मरने के बाद क्या होगा ये हमारा माइट नहीं, हमें पता नहीं, हम सुगति जाएंगे दुर्गति जाएंगे पता नहीं, इतने सारे लोग मर के गए, अरे हम तो दुर्गति पहुंचे, हमारे लिए पुण्य छोड़ के लाओ, ये भी कहने के लिए कोई नहीं आया। और अच्छा खासा हमने पुण्य किया, दान दिया, शील पालन किया, ध्यान भावना किया, हम तो सुगति पहुंच गए, आप लोग भी पुण्य करो, आप लोग भी वो यहाँ आएंगे करके कहने के लिए भी नहीं आया। मरने के बाद क्या होगा ये हम नहीं जानते, ये हम नहीं देख सकते, और इतना ध्यान इतना शक्ति या रिद्धि शक्ति हम में है भी नहीं। अभी उसमें विश्वास करना है या नहीं करना है वो अलग बात है, मगर जो व्यक्ति पुण्य करेगा, जो व्यक्ति धम्म करेगा, उसको जीवन में सुख शांति मिलना ही है। अभी भी मिलेगा, जीवन के बीच में भी मिलेगा, जीवन के अंत में भी सुकून से आराम से मर पाएंगे, मरने से भयभीत नहीं होगा। मगर जो व्यक्ति गलत करेंगे और कुशल करेंगे तो वो अभी भी डर डर के मर मर के जिएंगे, बीच में भी डर डर के मर मर के जिएंगे, और अंतिम अवस्था में भी एकदम कोलाहल होके भयभीत होके त्रसित होके एकदम चिल्ला चिल्ला के मरेंगे। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्य करो, बार बार करो, जो व्यक्ति पुण्य करना जानता है वो व्यक्ति को जीवन में उच्च प्रकार के महान सुख मिलता है, क्षणिक सुख नहीं महान सुख मिलता है। तो हम सब सुख चाहने वाले हैं ना, शांति चाहने वाले हैं ना, आनंद चाहने वाले हैं ना, तो हमें पुण्य ही करना है। हम कितना भी धम्म देशना सुनो, सारे धम्म देशना में यही आएगा कि पुण्य करो, धम्म करो, अच्छा करो, सारे धम्म देशना में यही घूम फिर के आएगा कि जो गलत है वो ना करो, जो पाप है वो ना करो, अकुशल से दूर रहो, अपना भी कल्याण होगा अपनों का भी कल्याण होगा। इसलिए जीवन में हमें खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए, जितना हो सके उतना माहौल बना के पुण्य करते करते जाएंगे तभी हमारा कल्याण होगा। हाँ, तो इसलिए हम यही कामना करेंगे कि हम जीवन में खूब सारा पुण्य कर सके, खूब सारा धम्म कर सके, ये दुर्लभ या अमूल्य ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलं, साधु साधु साधु। अभी धम्म देशना के अंत में आप लोगों को पूजनीय भिक्षु संघ बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देंगे। आप लोगों के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। जीवन में खूब सारा पुण्य कर सके, धम्म कर सके, जीवन में सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, और दुख मुक्त निर्वाण भी साक्षात्कार कर पाए, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देंगे। श्रद्धा पूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए तीन बार जोर से साधु साधु बोलिए। सबेते ओवेवा जन्तु सबरोगो विनाशतु माते भवत्वान्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सबमङ्गलं रक्षन्तु सबदेवता सबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सबमङ्गलं रक्षन्तु सबदेवता
सबदमानु भावेन सदा सोते भवन्दुते भवतु सब मंगलं रक्खन्तु सब देवता सब संगानु भावेन सदा सोते भवन्दुते एचितं पाचितं दुयां किप्पमेव समीचतु सबे पुरेन्दु चित्तसंकल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बानसम्पत्ति इमिनाते समीचतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वंदामि सर्वदा सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आज का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।